अबे ओए किधर गाड़ी रोक। अरे क्या हुआ सर, क्यों रोका है? जाने दो ना। हेलमेट कहाँ तुम दोनों का तो बड़ा चलान होगा। तू चलान काटेगा हमारा? अबे शायद तू ना जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। एमएलए का भांजा हूँ मैं। चल साइड पे हो। तू चाहे एमएलए का भांजा हो, चाहे तेरा चाचा एमपी हो, तूने रूल तोड़ा है, तेरा तो चलान कटेगा भाई। अरे यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके साथ बात करके? एक काम करो, अपने मामा को कॉल करो, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी सारी। सही कहा। रुक अभी, तेरी अकल तो ना मैं ठिकाने लगाता हूँ। क्यों, तुम्हारे एमएलए मामा फोन नहीं उठा रहे? तूने बहुत कर लिया मेरा टाइम वेस्ट, अब तो बेटा तेरा चलान होगा। तू ना ये अच्छा नहीं कर रहा है, मेरा चलान मत कट। अबे तुझे बहुत भारी पड़ेगा, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ। चल 2000 रुपये निकाल। ये पकड़ 2000। लेकिन ना याद रखियो, तूने मुझसे 2000 लिए थे, ये 2000 ना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तेरी वर्दी ना उतरवा दी ना तो कहियो। तू फिर से यहाँ? अब क्या हुआ? जी हाँ, मैं फिर से यहाँ। बहुत हेंकड़ी मार रहा था ना तू मेरे आगे, और तूने मेरा चलान भी काटा था। उस टाइम तो मेरे मामा जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन अब मेरे मामा जी फोन पे हैं। ले बात कर। जी सर। हाँ भाई क्या हुआ, मेरे भांजे का चलान क्यों काटा तूने? नहीं नहीं सर, इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था इसलिए चलान काटा था। और तू रूल सिखाएगा मुझे? तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं, एमएलए राणा, वरना 2 मिनट में वर्दी उतरा दूंगा। कट 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 कट। लेकिन सर। क्यों, क्या हुआ, निकल गई हवा सारी? अब जो मुझसे 2000 लिए थे ना चलान के, ला वापिस कर। ये काटेंगे मेरा चलान, हट। तुम यहाँ? पर ये सब क्या हुआ तुम्हें? सर ये लीजिए आपके 2000 रुपये, जो उस दिन हम लोगों ने चलान वाले वापस लिए थे। जब हम यहाँ से घर जा रहे थे तो रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपने गर्लफ्रेंड को खो दिया सर। देखा, फिर मैंने कहा था ना अब उनका थोड़ा सा नाम चलता है। उस पुलिस वाले से चलान के पैसे भी वापस ले लिए और उसकी बेइज्जती करी सो अलग। सही कह रहे हो यार तुम। ए आगे देख ले। देखिए आपका और आपके गर्लफ्रेंड का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपको तो ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, पर आपकी गर्लफ्रेंड को हम नहीं बचा पाए। शी इज नो मोर। क्या, ये क्या बोल रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो ऐसे मर नहीं सकती। आप झूठ बोल रही हैं ना, कह दीजिए आप झूठ बोल रही हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, यही सच है। और अगर आज आप लोगों ने हेलमेट वियर किया होता तो ये सिचुएशन ना होती, इतना बड़ा इंसिडेंट ना हुआ होता आपके साथ। अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में होती है, तो आगे से अगर आप कभी स्कूटी या मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करें तो याद से हेलमेट लगा लीजिएगा। ये आप ही की गलती के कारण हुआ है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है। अगर तुमने मेरी उस दिन बात मान ली होती आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा होती। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होता है, हमारी सुरक्षा के लिए होता है। सही कहा आपने सर, अगर हमने उस दिन हेलमेट डाला होता तो अगर हमारा एक्सीडेंट हो भी जाता तो इतना जानलेवा नहीं होता कि उस एक्सीडेंट में मेरी गर्लफ्रेंड की मौत ही हो जाती। मैं समझ चुका हूँ कि हेलमेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग थोड़े से शौफ के लिए कभी हेलमेट नहीं लगाते हैं, लेकिन हेलमेट दुर्घटनाओं से बचने के लिए होता है। मैं समझ चुका हूँ, आइंदा मैं कभी भी बाइक पे निकलूंगा तो हमेशा हेलमेट डाल के निकलूंगा। उस दिन हमने जो कुछ भी किया मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं,